हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि बात करें आपसे, बहुत दिनों से हम कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए, सर हमारा पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्सेज, जो भी आपका कोर्सेज हुआ यानी आपका रेगुलर और ट्रेडिशनल कोर्सेज, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि MBA, MCA, आपका रेगुलर कोर्सेज जैसे कि MSc, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज के सीनू बताने वाला हूँ आपके अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, आपके इस पाठ्यपुत्र स्टडी का, आपका सिलेबस। जो जी फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं जो सिलेबस आज के इस वीडियो में को बताने वाला हूँ, जिसकी जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो सुसंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो में को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, ये ऑन डिमांड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे मुझे मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी और हमारे चैनल पर भी कि सर वो सभी बोल रहे थे कि सर उनको सिलेबस चाहिए। मुझे सिलेबस की बहुत बड़ी नीड है, आपको बताने वाला हूँ आज के आपके पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG के वोकेशनल और रेगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट का सिलेबस। और उसके साथ ही साथ आपको मैं कुछ आज के इस वीडियो में कुछ बुक्स रिकमेंडेड करने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से बुक्स लेना चाहिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हो अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एडमिशन लिए हो और PG का तैयारी कर रहे हो। तो सारी जानकारी जाने के लिए आपको आज का वीडियो, और भी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सारी कोर्सेज को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो फिर ये सारी जानकारी को जानने के लिए आपको आज का वीडियो सोचना तो जो देखना पड़ेगा। फिर उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड, चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं सिलेबस बताना चाहूँगा आपके अपने MSc बोटानी का, जो कि गाइस चलिए बताता हूँ। तो फिर देख पा रहे हो MSc बोटानी का सिलेबस, तो उसके लिए गाइस मैं आपको थोड़ा नीचे आ जाऊँ इस PDF में, तो देख पा रहे हो। आपको सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम मैं बता दूँ, तो इस तरह के आपके सेमेस्टर सिस्टम रहेंगे, आपके 4 सेमेस्टर सिस्टम रहेंगे, जिसमें से आपके टोटल पेपर्स देख पा रहे हो, आपके कितने पेपर होगा, 20 पेपर होगा। और देख पा रहे हो कोर्स पर पेपर आपको इसी तरह से दिए गए हैं, टोटल क्रेडिट कितना होगा देख पा रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स और नंबर ऑफ कोर पेपर या कोर्स पेपर के बारे में बात करें, इफेक्टिव कोर्स। और देख पा रहे आपको इस तरह का टोटल, मतलब मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख पा रहे आपको इस तरह का ब्लू प्रिंट, ठीक है, आपके अपने सिलेबस का आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। 4 सेमेस्टर में होगा। अब देखो बात करते हो, 2 इफेक्टिव, 1 थ्योरी पेपर होगा और 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा। उससे देख पा रहे प्रोजेक्ट वर्क भी है, देखिए आपको पूरी डिटेल में पढ़े हो, पढ़ने को आपको मिलेगी। गाइस वीडियो में बड़ा नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इस सारे सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ये सारे सिलेबस आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो फिर ये सारे सिलेबस को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड उसके आप हमारे चैनल पर आ जाइए, हमारे चैनल के होम पेज पर आइएगा, तो आपको यहाँ पर चैनल के सेक्शन दिखता है, इस सेक्शन में हमारा अदर चैनल्स है, तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और फिर देख पर यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना के क्लिक करके रख चुकी है, पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी नाम की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आप इस प्लेलिस्ट में आपको पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो गाइस पूछने से पहले एक बार इस वीडियो को प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। करिए मैंने पहली वीडियो डाल रखा है आपको UG, अगर आप भी सोच करके आए हो ग्रेजुएशन का, तो मैंने UG का रेगुलर वोकेशनल के सिलेबस मैंने पहले अपलोड कर दी है। उसके लिए आप हमारे पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में आओगे, तो यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे आइएगा, तो यहाँ पर अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिर आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो चेक करोगे, ये वाला आप चेक कर लेना। देखो UG PG है ना, रेगुलर सिलेबस, तो UG वोकेशनल का सिलेबस, ठीक है, चेक कर लेना, आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मैंने बता दिया है। और जिनको अगर UG का डालना जानना है, बेसिक का सिलेबस यानी BA BSc BCOM का, तो उसके लिए आप एक बार इस वीडियो को चेक करना ना भूलें। और फिर से आ जाइए हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आइएगा, तो यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल रखा है, देख पा रहे हो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज्वाइन करें। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है अभिनय चौधरी यूट्यूबर करके, आप डायरेक्ट हमारी क्वेरीज आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी मैं आपको हमेशा अपडेट डालते रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो, आप जैसे ज्वाइन करोगे तो ये टेलीग्राम चैनल का ग्रुप खुल जाएगा। गाइस यही हमारा एजुकेशन चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें गाइस देख पा रहे हैं मैं आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट को मैं टाइम पर हमेशा डालते रहता हूँ। उसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। उसके साथ और भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, मैं इस ग्रुप में पिन कर देता हूँ। जैसे कि देख पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये क्या अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर इसको अपडेट को चेक करना ना भूलें।
तो फिर इस तरह आपको पढ़ने को मिल जाएगा आपका पेपर कैसा होगा बोटैनिक का, ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, देख पा रहे हो, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे सिलेबस में जो कि दी रहती है, तो क्या सिलेबस में दिया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे देख पा रहे हो, प्रोग्राम का MSc बोटैनिक का देख पा रहे हैं, तो ये सारा आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल रहा है। ये देख पा रहे हो कोर्स स्ट्रक्चर आपकी MSc बोटैनिक का जिसको ब्लू प्रिंट कहेंगे, ठीक है, इसको जैसे समझ लीजिए कि सेमेस्टर वन में देख सकते हो आपका इतना पेपर होगा, 5 पेपर होगा, सेमेस्टर टू में देख पा रहे हो, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 आप सभी का जो एग्जाम होगा देख पा रहे हो, नंबर ऑफ पेपर कौन सा होगा, कोर्स कौन सा होगा, कितने मार्क्स का होगा देख पा रहे हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा और पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, तो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस देख पा रहे हो, डिटेल में बता रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का होगा, देख पा रहे हो, क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, और मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, और यूनिट वाइज सेक्शन यहाँ पर दिया गया है किससे क्या क्या चीज़ें पूछेंगी, और फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब सेमेस्टर वन का पेपर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखने को मिल जा रही है डिटेल्स में जिसको आप देख सकते हैं, उस तरह सेमेस्टर वन का ही देख रहे हो पेपर है, और उसी तरह आपको हर आपके हर सेमेस्टर का पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब चलो सेमेस्टर वन का है ये 5th पेपर, अब सेमेस्टर टू का पेपर यहाँ से शुरू हो गया है, देख सकते हो इसी तरह सेमेस्टर वाइज आपको पूरा ये सिलेबस आपके इसमें गिवन है। अब तो फिर से आप आराम से इस अपने इस MSc बोटानी के सिलेबस को देख सकते हैं। अब चलिए अगले सिलेबस को बताता हूँ, तो फ्रेंड्स अब चलिए अब देखते हैं MSc केमिस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जनरल इन्फॉर्मेशन 2 साल का जो प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा, इस सेमेस्टर में आपको 15 वीक एकेडमिक वर्क होगा देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है। MSc फर्स्ट स्ट्रक्चर का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो, शॉर्टकट में दिया हुआ है, ठीक है, कि कोर्स में फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, सेकेंड में फिजिकल ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल होगा, फिर हमारा सस्टेनेबिलिटी और ये होगा मैक्सिमम से गिवन है। MSc सेकंड का देख पा रहे हो कोर्स स्ट्रक्चर, उससे MSc थर्ड का देख पा रहे हो सेमेस्टर, और 4th सेमेस्टर का आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। अब सेमेस्टर वाइज यहाँ पे सिलेबस आपको पूरी अच्छे से पढ़ने को मिल जा रहा है, जो कि 70 पेपर होगा फर्स्ट जो सेमेस्टर में आपका, देख पा रहे हो 5 क्रेडिट, उसी तरह से अब बुक्स रिकमेंडेड देख पा रहे हो गाइस, आपको केमिस्ट्री के कौन कौन से बुक्स चाहिए, तो उसके लिए गाइस आपको बुक यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जो कि कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए आप, JD ली का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए, टी मॉलर का देख पा रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इनका भी ले सकते हैं, और देख पा रहे हो आपको अगर इंट्रोडक्शन टू लीग एंड फील्ड पढ़ना हो तो उसके लिए आप BN फिजिक्स का ले लीजिए, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से जानना है तो बस आलो और इनका ले लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग को के लिए OP अग्रवाल मस्त किताब है, और देख पा रहे हो स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स के लिए WADSA ले लीजिए, और मैग्नेटोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको तो ये A in Shaw ले लीजिए, ये कुछ बुक्स मैंने आपको रिकमेंडेड कर दिया है, ये बुक्स आप ले सकते हो, देख सकते हो। उसी तरह आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी भी यहाँ पे आपको सिलेबस अच्छे से डिटेल में देखने को मिल जा रही है, और उसके लिए देख पा रहे हो इस बुक्स रिकमेंडेड किया गया, वो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक्स था, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए बुक्स है, और इसी तरह का आपको सारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक्स लेना होगा, देख पा रहे हैं आपको कुछ बुक्स आपको सिलेबस में ऑलरेडी देखने को मिल जाता है, ठीक है, आप सिलेबस में बस अच्छे से बुक्स रिकमेंडेड किया हुआ है, मैं ये सारे बुक्स ले लीजिए, आपके लिए एनफ है। चलिए आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये भी सिलेबस मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, आप आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सब चलिए मैं PG का आपको जूलॉजी का सिलेबस दिखा दूँ, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट का जूलॉजी का जूलॉजी का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर देख पा रहे हो, Unit 1 Unit 2 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का देख पा रहे हो, 4 5 5 यूनिट्स में बांटा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे गिवन, आप पढ़ सकते हो आसानी से, फर्स्ट सेमेस्टर का देख पा रहे हो सेकेंड पेपर उसी तरह से दे रहे हो, देख रहे हो कि फर्स्ट सिटिंग ये सारे आप ही के लिए है, सेमेस्टर टू का पेपर है, फुल सेमेस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं कुछ देख रहे हैं, चलिए बुक्स रिकमेंडेड इसमें क्या गया है नहीं वो तो गाइस देखने के बाद ही पता चलेगी, लिस्ट ऑफ इफेक्टिव कोर्सेज है, तो इस तरह का पूरा सिलेबस आपका आप देख रहे हो ना, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए सेमेस्टर 4 देख रहे हो, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग क्या क्या पूछेगा, तो इस तरह के पूरे सिलेबस है जो कि बांटा गया है, देखो 5th सेमेस्टर का था ये 4th सेमेस्टर का है, ये आपका 4th सेमेस्टर का है, चलो इसी तरह से देख पा रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, 4th सेमेस्टर देख रहे हो गाइस, ये सारी डिटेल्स है। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आपको मैं MSc फिजिक्स का सिलेबस दे दूँ, ठीक है, फिजिक्स का, चलो तो फिजिक्स का सिलेबस आपको देखने को मिल जा रही है, आपको इधर सारे कोर्सेज पढ़ने को मिलेगा, देख पा रहे हो कोर्स चेक कर सकते हो, ये सारे सिलेबस है, और इस तरह के एग्ज़ाम आपका होगा ये भी देखने को मिल जा रहा है, देख पा रहे हैं ना, इस तरह का आपका सिलेबस होगा MSc फिजिक्स का 4th सेमेस्टर, कोर्स स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको देखने को मिल रहा है, 1st सेमेस्टर होता है,
सेकेंड सेमेस्टर देख पा रहे हो ना, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरह वो सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा आपको सारा यहाँ पे सिलेबस की वे ऑलरेडी, और कुछ बुक्स भी इस पर रिकमेंडेड किया गया होगा। अब देखो मैथमेटिक्स का देख लीजिए, ठीक है, इसका पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ना है, और बुक्स इसमें रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स, आप ये सारे बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। एरिया एनालिसिस भी है, इसके बुक्स रिकमेंडेड है, इसमें बुक्स रिकमेंडेड है, ठीक है, आप बुक्स उससे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं मैथ्स को पढ़ने के लिए। चलिए ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो फ्रेंड्स MSc इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर इसके पेपर स्कीम देखने को मिल जा रहा है, ब्लूप्रिंट्स, किस तरह का एग्जामिनेशन होगा आपके जो टोटल फोर्थ सेमेस्टर में, आपको यहाँ पर सिलेबस भी देखने को मिल जा रही है, और कुछ बुक्स भी यहाँ पर रिकमेंडेड की गई है। चलिए तो ये सारे आप देख लीजिएगा, मैं इस सारे जो आपका सिलेबस है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अब देखो ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया गया इनके द्वारा, वो भी आप पढ़ पा रहे हो, यही कॉलेज के प्रोफेसर ने प्रिपेयर किया है ये सारे सिलेबस को, आप देख पर आपको यहाँ पे डिटेल्स में स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रही है, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। अब चलिए अगले कोर्स को देखते हैं। और फ्रेंड्स बात करें जैसा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं आपको ले चलता हूँ, तो फिर चलिए पाठ्य पुस्तक उसी वेबसाइट पर आ जाइए, जैसे आऊँगा तो यहाँ पर आपको आना है एकेडमिक्स के सेक्शन में, आप आ जाइए एकेडमिक का सेक्शन दिख रहा है, इसमें आ जाओ, आने के बाद आपको आना होगा कोर्स स्ट्रक्चर एंड करिकुलम में, फिर आइए पीजी सिलेबस में। तो जैसे पीजी सिलेबस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको गवर्नर के द्वारा लिस्ट तैयार की जाएगी, तो देख पा रहे हैं अभी पे सर्वर एरर बता रहा है, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको अपनी सिलेबस दिखा रहा हूँ, मैं सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। गाइस देख पा रही हो ये मगध यूनिवर्सिटी लिखा गया है गाइस सिलेबस पे, एमए का इकोनॉमिक्स का है, आप देख सकते हो कि आपका भी सिलेबस है, यानी फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है, देख पा रहे आपको इस तरह का पूरी डिटेल्स में गया दिया गया है इकोनॉमिक्स के बारे में, चार सेमेस्टर होगा क्योंकि सिलेबस तो देखिए सेम ही होगा, चाहे वो मगध हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चौथ रोन भी बड़ी देख पा रहे हो, चार सेमेस्टर है एमए इकोनॉमिक्स का, इस तरह से आपको कितने मार्क्स का पेपर होगा, आप डिटेल उसको पढ़ सकते हैं। और भी फ्रेंड्स बात करिए अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियली, जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे आपका सभी का सिलेबस अपडेट हो जाता है तो मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा, ये गाइस मैं वीडियो आप सभी का बना दे रहा हूँ, थोड़ा आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, आपको सिलेबस और कुछ मैंने बुक्स रिकमेंडेड कर दिया है, देख पा रहे हो आपका हिंदी का है सिलेबस, और आप एमए हिंदी से कर रहे हो तो सिलेबस आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। उसी तरह मास्टर डिग्री तो पता है आपको कोर्स दो साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर का वो सिलेबस था, ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो MSc बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस सेमेस्टर वन पेपर वन ग्रुप पे देख पा रहे हो, तीन ड्यूरेशन का पेपर होगा, सिलेबस बायोलॉजी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, देख पा रहे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बायोमोलिकुल्स में आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेना है, और देख पा रहे हो माइक्रोबायल में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़नी होगी, तो इस तरह का आपको सिलेबस आपको देखने को मिल जा रही है। बायोकेमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, बायोस्टैटिक्स के बारे में भी, और बेस्ड ऑन सेमेस्टर वन सिलेबस है ये, ठीक है। अब देखो MSc सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है, वो भी यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में देखने को मिल रहा है, तो डोंट बी वरी, ये बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं सिलेबस को डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। अब फ्रेंड्स आपको MCA का मैं सिलेबस दिखा दूँ, ठीक है, तो देख पा रहे हो सेमेस्टर वाइज होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है कि कितने पेपर पर वीक होंगे और कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, आपको MCA का प्रोग्राम यहाँ देखने को मिल जा रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ का। अब सिलेबस की बात करें तो देख पा रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको देखने को मिल जा रही है IT की, और बुक्स रिकमेंडेड कुछ कुछ किया गया, आप ये सारे बुक्स परचेस कर सकते हैं बिल्कुल, और प्रोग्रामिंग अंदर डेटा स्ट्रक्चर विद सी बुक्स रिकमेंडेड इसके लिए भी है, सो बुक्स रिकमेंडेड किया गया, बुक्स ले सकते हो, ठीक है। और फिर आप में से जितने लोग हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए कि आप में से कितने लोगों कुछ मैंने आज के वीडियो में दिया सिलेबस, आप सभी को सिलेबस मिल गया और आप सभी को आपके कोर्स का सिलेबस मिल गया, ठीक है, और जिनके कोर्स का सिलेबस नहीं मिल पाया है वो कमेंट कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं क्या करूँगा आपका सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से उस कोर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी जिनको मिल गया है वो रेज द हैंड, हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर आई गॉट द सिलेबस, और आपको बुक्स भी काफ़ी मैंने रिकमेंडेड कर दिया था। चलिए सेमेस्टर वाले देख पर आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जा रही है आपके अपने MCA कोर्स की।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिस वीडियो में आपको आने आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जितनी भी सिलेबस होती हैं सारे सिलेबस की मैंने सिलेबस वीडियो में बता दिया। अभी कुछ कुछ सिलेबस रह गए हैं तो वो सारे सिलेबस को मैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताता तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, बताएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो बुक्स रिकमेंडेड कर दिया, मैंने जो सिलेबस दिया, आपको क्या सेटिस्फाइंग सिलेबस है नहीं, और भी आप सभी पढ़ाई कर कितने लोगों को पढ़ाई करने जाके शुरू करने वाले हैं, यानी कितने लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया, तो कितने लोगों का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ है। तो गाइस डोंट बी पैनिक, आपका क्लास स्टार्ट बहुत जल्द होगा, और नहीं भी हुआ है तब आप चाहो तो पीपी को कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल करके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग अस।